सिवान के छात्र भानु हत्याकांड का हो गया पूरा खुलासा। घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद। जी हां, बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र में 3 रोज पहले हुए दिन दहाड़े छात्र की हत्याकांड का आज पूरा खुलासा हो गया। पूरी घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के मोहन बाजार स्थित एक चाय के दुकान के समीप दरौंदा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर पंचायत के भरोस कुंवर टोला निवासी सुधीर कुमार सिंह के 17 वर्षीय पुत्र भानु कुमार सिंह की हत्या की है। भरोस कुंवर टोला निवासी सुधीर सिंह का बेटा भानु इंटर का छात्र था। बताया जाता है कि दरौंदा थाना की रुकुंदीपुर पंचायत के भरोस कुंवर के टोला गांव के सुधीर सिंह का 17 वर्षीय पुत्र भानु कुमार सिंह महाराजगंज शहर के मोहन बाजार में कोचिंग करने के लिए गया था। जिस वक्त उसके साथ ये हादसा हुआ, वो अपने साथियों के साथ चाय पीने चला गया। चाय पीकर भानु घर जाने के लिए बाइक से आगे बढ़ा। सामने से आए बाइक सवार बदमाशों ने बाइक से ठोकर मार दी। भानु कुछ समझ पाता तब उससे पहले ही बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। भानु को तत्काल साथियों ने अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना में शामिल 2 मुख्य आरोपी सत्यम और करण महाराजगंज थाना मुख्यालय में अपने परिजनों के साथ कल सरेंडर कर दिए हैं, जिसकी बात पुलिस लगातार दोनों से पूछताछ कर रही है। दोनों ने अहम सुराग दिया, जिसके बाद घटना में प्रयुक्त पिस्टल के साथ घटना में शामिल 3 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक की पहचान बता दें कि आशीष कुमार पिता मुनमुन पटेल गांव पटेढ़ी, दूसरा शशि पंडित पिता वशिष्ठ पंडित गांव तकीपुर, तीसरा उत्कर्ष कुमार पिता अरुण कुमार गांव तकीपुर के रूप में हुई है। छात्र हत्याकांड के बाद पूरा महाराजगंज शहर सहमा हुआ था। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर लिया है। जिसके बाद चल रहे 2 आरोपी महाराजगंज थाने में सरेंडर किए। वही दोनों से पूछताछ के बाद और मामले का खुलासा हो गया, जिसकी बात पुलिस ने 3 युवकों को घटना में प्रयुक्त पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में महाराजगंज SDPO राकेश कुमार रंजन ने बताया कि मामले का खुलासा हो गया है। घटना में शामिल सभी अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हुआ है। उसके द्वारा बताया गया है कि पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि आपसी विवाद में गोली चली हुई थी। वहीं इस कार्रवाई में थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा, उपेंद्र कुमार सिंह सहित थाने के कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर सिवान के महाराजगंज से आ रही है, जहां महाराजगंज शहर में दिनदहाड़े छात्र हत्याकांड मामला का खुलासा हो गया है।